जी हाँ दोस्तों, मैं आपका साथी आर के ब्रिटिशर आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक एम्बिशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। आज हम चर्चा करेंगे एम्बिशन, अंतर शोषण और दूसरा टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण। दोनों अलग अलग टर्म्स है। एम्बिशन किसी ठोस पदार्थ के द्वारा जल का अवशोषण एम्बिशन कहलाता है, जिसमें कोलाइड का निर्माण, जिसमें द्रव विलयन का निर्माण नहीं होता है। दूसरा होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, यह प्लांट्स के द्वारा होती है। प्लांट रूट के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है उसे हम वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एम्बिशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अंतःशोषण, अंतःचूषण या एम्बिशन। दोस्तों, अंतःशोषण अंतःचूषण क्या है? किसी ठोस पदार्थ के द्वारा बिना घुले तरल का अधिशोषण अंतःशोषण कहलाता है। कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो जल का अवशोषण करता है और उसमें किसी भी विलयन का निर्माण नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को हम अंतःशोषण कहते हैं। जलप्रिय कोलाइडों द्वारा जल के अधिशोषण को अंतःशोषण कहते हैं, या ऐसे पदार्थ जो जलप्रिय होते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, वो जब जल का अवशोषण कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी हम अंतःशोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी के दरवाजों का जल का अवशोषण करना, हम देखते हैं बरसात के समय लकड़ी के दरवाजे वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण करते हैं, वर्षा जल का अवशोषण करते हैं और वर्षा जल अवशोषण करने के पश्चात वो फूल जाते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाटर वेपर बनकर वायुमंडल में चला जाता है और पुनः वो पदार्थ अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो क्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार से किसी विलयन का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम अंतःशोषण या अंतःचूषण कहते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ये जो एम्बिशन प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा शुष्क कोलाइडी पदार्थ जल अधिशोषित करके फूल जाते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करके अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है। प्लांट्स की जो सेलवाल होती है, ये सेलवाल जल का अवशोषण करती है, ये कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है, जिसके कारण जो लकड़ी है, वुड्स है, वो वुड्स वर्षा जल को अवशोषित करती है। जैसे सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, ये सभी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। पेक्टिन है, सेल्यूलोज है, हेमिसेल्यूलोज है, ये सभी पदार्थ जल का अवशोषण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी पदार्थ जल प्रिय होते हैं, इसी कारण ये पानी का अंतःशोषण करते हैं। अंतःचूषण पदार्थ व तरल के मध्य बंधुता होना आवश्यक है। जल का गमन विभव प्रवणता की ओर होता है, इसमें भी जल जो है अधिक से निम्न की ओर गति करता है, जिसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। प्रोटीन, एगार एगार, स्टार्च आदि सभी अंतःचूषक होते हैं। प्रोटीन है, एगार एगार है, ये जो पदार्थ है ये अंतःचूषण का कार्य करते हैं। एगार एगार अपने भार का 99% जल का अवशोषण करता है। 99% जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है वो एगार एगार करता है। इसलिए एगार एगार जो है ये सबसे ज्यादा अंतःचूषक पदार्थ है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो अंतःशोषण का क्रिया करता है वो एगार एगार करता है, और कुछ प्रोटीन 15 गुना जल अवशोषित करती है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो जल का अवशोषण होता है वो एगार एगार करता है। एगार एगार के बाद में पेक्टिन करता है, पेक्टिन के पश्चात प्रोटीन, फिर स्टार्च, और सबसे कम जो जल का अवशोषण करता है वो सेल्यूलोज करता है। तो सबसे कम सेल्यूलोज के द्वारा जल का अवशोषण होता है और सबसे ज्यादा एगार एगार के द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो अंतःचूषण जो पदार्थ है वो एगार एगार है। सबसे ज्यादा जो चूषण क्षमता होती है वो एगार एगार में होती है, सबसे कम जो चूषण क्षमता होती है वो सेल्यूलोज में होती है। बीजों के कोलाइडी पदार्थ जैसे प्रोटीन, स्टार्च अधिक होने से वे अच्छे अंतःशोषक कहलाते हैं। बीज के अंदर प्रोटीन, स्टार्च की मात्रा ज्यादा होने के कारण से वो जल का अवशोषण करते हैं। अंतःचूषण की क्रिया में ऊष्मा विमुक्त होती है। ये अंतःचूषण जब पदार्थ करते हैं, जैसे आटा गूंथते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह एक अंतःशोषक प्रोसेस है। सघन रूप से व्यवस्थित पदार्थ में भी अंतःशोषण कम और विरल रूप से व्यवस्थित पदार्थ में अंतःशोषण क्षमता ज्यादा होती है। एम्बिशन के कारण अंतःशोषक पदार्थ में एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे एम्बिशन प्रेशर कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ जल का अवशोषण करता है तो वहां पर एक
दाब उत्पन्न होता है और उस दाब को हम अंतःचूसक दाब कहते हैं, जिसके कारण एम्बिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, अंतःचूसक चूषण का महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्बिशन। सबसे पहले है, बीजों के अंकुरण के समय अधिशोषण अंतःचूसन की क्रिया के द्वारा ही होता है। बीज की जब हम बुवाई करते हैं या बीज जल का जो अवशोषण करता है वो एक अंतःचूसन प्रोसेस है, एक एम्बिशन प्रोसेस है। बीजांकुरण के समय जब हम बीज की बुवाई करते हैं, बीजांकुरण होता है और बीजावरण जल का अवशोषण करके टूट जाता है, तो वो भी एक अंतःचूसन प्रोसेस है। मूल रोम कोशिकाओं के द्वारा जल का प्रारंभिक अवशोषण अंतःचूसन क्रिया के द्वारा होता है। सबसे पहले मूल रोम मृदा विलयन से जल का अवशोषण करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी एक एम्बिशन प्रोसेस है। अनेक पौधे जैसे सिलेजिनेला लाइकेन में पुनर्जीवन भी अंतःचूसन की क्रिया के द्वारा होता है। ये वायुमंडलीय जो आर्द्रता है, एटमॉस्फेयर वेपर है, उसका ये क्या करता है, अवशोषण करता है। नेक्स्ट है वायवीय जड़ों तथा शुष्क बीज में जल प्रवेश भी इसी क्रिया के द्वारा होता है। जो वायवीय फॉर एग्जांपल अधिपादप होता है, ये जो अधिपादप है एपिफाइट्स है, ये एपिफाइट्स वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है उस वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण करते हैं, ये भी एक अंतःचूसन की प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें एक वेलामेन का आवरण होता है और वेलामेन आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होता है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण कर लेता है। वर्षा ऋतु में नव निर्मित कास्ट अंतःचूसन के कारण फूल जाती है। वर्षा ऋतु में हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर जो नई कास्ट फॉर्मेशन होती है वो भी जल का अवशोषण करके फूल जाती है। नेक्स्ट आता है जल अवशोषण। तो ये था दोस्तों अंतःशोषण। अंतःशोषण ठोस पदार्थों के द्वारा जल का अवशोषण करना अंतःशोषण कहलाता है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई विलयन का निर्माण नहीं होता है। ये जलप्रिय होते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं जिसमें विलयन का निर्माण नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो अंतःशोषण की क्षमता होती है वो 11-11 में होती है, उसके पश्चात पेक्टिन में, फिर प्रोटीन में, और सबसे कम जो होती है वो सेल्युलोज में अंतःशोषण की क्षमता होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पादप जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जल प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, प्रत्येक जीव को इसकी आवश्यकता होती है और प्रत्येक जीव में यह एक महत्वपूर्ण क्रिया अदा करता है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो 60-70 और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें लगभग 95-97% तक जल पाया जाता है। जल जीवद्रव्य का एक अत्यंत आवश्यक भाग है। जो प्रोटोप्लाज्म बना होता है वो जल के द्वारा बना होता है, जिसमें 80-90% जल होता है। प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें 80-90% जो है वो जल पाया जाता है। जल एक श्रेष्ठ विलायक है, जल प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक है। सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अभिगम जल के द्वारा होता है। प्लांट्स के अंदर जो कार्बनिक और जो अकार्बनिक जो पदार्थ है, जो मूवमेंट करते हैं रूट से लीफ तक, लीफ से रूट तक, या प्रत्येक सेल्स में जो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जल के द्वारा होता है। पादप कोशिका स्पित अवस्था में जल के द्वारा बनी होती है। जब प्लांट सेल्स जल का अवशोषण करती है तो स्पित अवस्था में आ जाती है, तो पौधे की स्पितता को बनाए रखने में भी जल एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। जल पदार्थों की वृद्धि में भी सहायक होता है। जल जो है वो प्लांट्स ग्रोथ में सहायक होता है। जल बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। सभी एंजाइम जल की उपस्थिति में ही क्रियाशील होता है। प्लांट्स के अंदर जितने भी जो एंजाइम है वो सभी एंजाइम जल की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं। जल जो है कई पादप गतियां कोशिकाओं की स्पित अवस्था के कारण होती है। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट भी जल के द्वारा होता है। पादपों में भोजन स्थानांतरण व रासायनिक अभिक्रियाएं भी जल विलयन के द्वारा होती है। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो भोजन का स्थानांतरण होता है, फूड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीफ से प्रत्येक कोशिका में जाता है, या जितने भी जो केमिकल प्रोसेस है वो सभी जलीय विलयन में ही होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स में लगभग क्रियाएं पूर्ण होती है। तो हम कहते हैं जल के बिना जीवन असंभव है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाटर या फॉर्म्स ऑफ वाटर, जल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों अगर हम जल की बात करें, भूमिगत जल, तो प्रकृति में चार प्रकार का जल पाया जाता है। एक जल होता है हाइग्रोस्कोपिक, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर, तीसरा होता है केमिकल वाटर और चौथा होता है कैपिलरी वाटर। तो ये जल जो है वो प्रकृति में चार फॉर्म्स में पाया जाता है। भूमि को जल मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। वाटर सॉइल में जो वाटर होता है वो रेन वाटर होता है। कुछ जल तो बहकर जलाशयों में चला जाता है। रेन से जो जल आता है वो जलकर बहकर जो है वो जलाशयों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। इसे अपवाहित जल कहते हैं। सीफेज ऑफ वाटर होता है। शेष जल रिस कर परकोलेट हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भूमि के निचले स्तर पर चला जाता है, जिसका उपयोग हम ट्यूबवेल से जो जल निकालते हैं उसमें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। गुरुत्वीय जल क्या है? जब रेनफॉल होती है तो जो रेनफॉल का जो वाटर है वो वाटर गुरुत्वीय बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस बल के कारण मृदा कणों से रिसता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं परकोलेशन की क्रिया हो जाती है। तो ये जल परकोलेट होकर भूमि के निचले संस्तरों में चला जाता है, भूमि की गहराई में चला जाता है और भूमि की गहराई में जाकर एक वाटर टेबल का निर्माण करता है, जो प्लांट रूट से अत्यधिक दूर होती है। प्लांट्स उस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जो जल होता है उस जल को हम कहते हैं गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर्स। तो ये जड़ों से अत्यधिक दूरी पर होता है, भूमि में अत्यधिक गहराई पर होता है। तो इस जल का उपयोग हम ट्यूबवेल से जो जल निकालते हैं भाई पंप के द्वारा, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जल गहराई में चला जाता है और सामान्य रूप से पादपों को उपलब्ध नहीं होता है। नलकूप द्वारा पौधों को प्राप्त होता है। जो नलकूप से हम जो जल निकालते हैं प्लांट्स में जो इरिगेशन करते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण जल होता है। कुछ जीरोफाइट्स, जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनकी विशेषता क्या है कि इनकी रूट जो है वो भूमि की गहराई तक जाती है। तो कुछ जीरोफाइट्स प्लांट्स जैसे कैलोट्रोपिस हो गया, फ्रोसोपिस सिनेरिया हो गया, कैपरिस हो गया, ये इस जल का अवशोषण करते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जल जो है ये जल भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट जल आता है आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक जल। आर्द्रता ग्राही जो जल होता है ये जल मिट्टी कणों की सतह पर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। जो मृदा जो कण है उन मृदा कणों पर यह एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। ये जैसे सॉइल पार्टिकल्स है, तो इस सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ये एक पतली परत के रूप में इस प्रकार से उपस्थित होगा। तो ये जो जल है इस जल को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो मृदा कणों की चारों ओर एक सूक्ष्म परत के रूप में जो जल अधिशोषित होता है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और यह जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, प्लांट्स इसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह अत्यधिक फोर्स पर आधारित होता है। इस जल का वाटर पोटेंशियल, जल विभव अत्यधिक नेगेटिव होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा वाटर पोटेंशियल, जल विभव। तो अगर हम जल विभव की बात करें तो जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो उनका जल विभव जीरो होता है। इसके अलावा जल विभव सदैव ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये अत्यधिक नेगेटिव होती है, और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण से पौधे इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तीसरा जल आता है रासायनिक बंधित जल, जिसको हम बोलते हैं केमिकली कंबाइंड या बॉन्ड वाटर। ये भूमि के अंदर जो रासायनिक जो मैटर होता है, केमिकल जो
होते हैं उनकी साथ में जुड़ा हुआ होता है, मृदा में उपस्थित रासायनिक यौगिकों के साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो वाटर है इस वाटर को हम कहते हैं केमिकल वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे जिप्सम है जिप्सम, तो ये जो वाटर है यहां पे इस वाटर को हम कहते हैं केमिकल वाटर। ये जो वाटर है ये वाटर केमिकल वाटर कहलाता है। तो ये वाटर भी क्या होता है कि अत्यधिक बल पर धारित होता है, जिसकी साइन डब्ल्यू की वैल्यू अत्यधिक नेगेटिव होती है, जिसका वाटर पोटेंशियल अत्यधिक नेगेटिव होता है। तो वाटर पोटेंशियल अत्यधिक नेगेटिव होने के कारण से पौधे इस प्रकार के जल का अवशोषण भी नहीं कर पाते हैं। इसके पश्चात आता है फोर्थ आ गया केसी का जल, जिसे हम कहते हैं कैपेलरी वाटर। इस प्रकार का जो जल है पौधे इसी वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये जल सोइल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, मृदा कणों के बीच में इस प्रकार का जल उपस्थित होता है। तो जो ऐसा जल है जो मृदा कणों में स्थित हो तो इस जल को हम बोलते हैं कैपेलरी वाटर। तो कैपेलरी वाटर जो है ये मिट्टी के कणों के बीच बनी हुई कोशिकाओं में जल की मात्रा को कोशिका जल कहते हैं, कैपेलरी वाटर कहते हैं। मृदा कणों के बीच में जो जल धारित होता है उस जल को हम कैपेलरी वाटर कहते हैं। यही जल पादपों की जड़ों के लिए उपयोगी होता है। प्लांट्स जिस जल का अवशोषण करते हैं बाई रूट, तो वो जो जल होता है उस जल को हम कैपेलरी वाटर कहते हैं। अर्थात यह जल पौधों को उपलब्ध होता है, पादप इसी जल का अवशोषण करते हैं। फिर उसके बाद में आता है वायुमंडलीय आर्द्रता ग्राही जल। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसमें जो जल उपस्थित होता है वो जल कहलाता है वायुमंडलीय आर्द्रता ग्राही जल। तो हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ वाटर, वायुमंडल के अंदर जल कितने रूपों में पाए जाते हैं। तो एक जल था गुरुत्वीय जल, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि की गहराई में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये सोइल प्रोफाइल को अगर हम डिनोट करें, ये सोइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस। तो यहां पर ये क्या होता है कि जो सॉइल सरफेस पे जो सॉइल पार्टिकल्स होता है, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच से ये जल गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण भूमि की गहराई में चला जाता है। और गहराई में जाकर यहां पर एक जल स्तर का निर्माण करता है। तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर है। तो पौधे इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम हॉरिजन्स को भी देखें तो मृदा में अनेक हॉरिजन्स पाए जाते हैं। यहां पर रॉक्स आ जाती है, यहां पे चट्टाने आ जाती है, तो पौधे इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तो इस जल का अवशोषण करते हैं हम वेल्स के द्वारा निकालने में। तो ये जो जल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, भूमिगत जल मृदा कणों के द्वारा परकोलेट हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा आर्द्रता ग्राही जल। इस प्रकार का जल मृदा कणों के चारों ओर एक पतली परत के रूप में होता है, जिसकी वाटर पोटेंशियल अत्यधिक नेगेटिव होता है। और वाटर पोटेंशियल अत्यधिक नेगेटिव होने के कारण से पौधे इसका अवशोषण भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा केमिकल बाउंड वाटर। केमिकल बाउंड वाटर मृदा के अंदर जो कार्बनिक रासायनिक यौगिक है उन रासायनिक यौगिकों के साथ में जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा जैसे CaSO4 2H2O। तो जो जिप्सम के साथ में मृदा में जो जल जुड़ा होता है वो अत्यधिक
फोर्स के साथ में जुड़ा रहता है जिसके कारण प्लांट्स इसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। चौथा हमने पढ़ा कैपिलरी वाटर, इस प्रकार का जो जल है वो मृदा कणों में पाया जाता है। तो प्लांट्स रूट्स जिस जल का अवशोषण करती है, जिस वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, वो जल होता है कैपिलरी वाटर। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आता है मृदा के अंदर जो संपूर्ण जल होता है उस संपूर्ण जल को हम कहते हैं होलार्ड जल। मृदा के अंदर उपस्थित संपूर्ण जल होलार्ड कहलाता है। यह जल की संपूर्ण मात्रा है जो मृदा के अंदर स्थित होती है। दोस्तों हमने पढ़ा मृदा में जो जल पाया जाता है, मृदा में हमने पढ़ा चार प्रकार का जल होता है। मृदा में चार प्रकार के जल में पहला हमने पढ़ा गुरुत्वीय, सेकंड हमने पढ़ा हाइग्रो स्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो मृदा में जितना भी जो जल है उस संपूर्ण जल को हम कहते हैं होलार्ड, जिसमें कैपिलरी वाटर आ गया, हाइग्रोस्कोपिक आ गया, केमिकल बॉन्ड वाटर आ गया और इसके साथ साथ में ग्रेविटेशनल वाटर आ गया। तो होलार्ड बराबर केशार्ड प्लस एकार्ड। केशार्ड होता है मृदा में पाए जाने वाला वह जल जो पादपों को उपलब्ध होता है। पौधे जिस जल का अवशोषण करता है उस जल को हम क्रेशार्ड कहते हैं। तो क्रेशार्ड की श्रेणी में जो जल आता है वो जल आता है कैपिलरी वाटर, कैसी का जल। फिर आता है एकार्ड, जिस जल का अवशोषण बाय रूट के द्वारा नहीं होता है, पौधे जिस जल का अवशोषण नहीं करते हैं उस जल को हम कहते हैं एकार्ड। तो एकार्ड की श्रेणी में आ गया गुरुत्वीय जल, केमिकल बाउंड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक, केमिकल बाउंड और ग्रेविटेशनल जो वाटर है उसको हम कहते हैं एकार्ड। और क्रेशार्ड की श्रेणी में आता है कैपिलरी वाटर, मृदा में जो संपूर्ण जल होता है उस जल को हम कहते हैं होलार्ड। नेक्स्ट है जल अवशोषण अंग, पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं। तो प्लांट्स के द्वारा अगर हम देखें, पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं मूल रोम, रूट हेयर्स। तो पौधे रूट हेयर्स के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। निम्न श्रेणी के पौधे जल का संपूर्ण सतह या मूलाभासों से जल को अवशोषित करते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जिसमें एल्गी आ गया, लाइकेन आ गया, तो ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स संपूर्ण सतह के द्वारा प्रत्येक सेल प्रत्येक भाग इन पादपों में जल का अवशोषण करता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिनमें मूलाभास पाए जाते हैं, मूल के समान दिखने वाली संरचनाएं पाई जाती है। तो मूल के समान दिखने वाली जो संरचनाएं होती है जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, तो वो जल का अवशोषण करती है। तो वो तो किसमें हो गया, लोअर्स प्लांट्स में। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, जिनमें बीज का निर्माण होता है। तो टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स में जल अवशोषण रूट्स के द्वारा होता है। तो प्लांट्स में अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन्स की हम बात करें तो लोअर प्लांट्स तो संपूर्ण सतह के द्वारा, जो आउटर जो सरफेस है, कंप्लीट आउटर सरफेस के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके साथ साथ में लाइकेन्स में इनमें राइजोइड्स के द्वारा जल का अवशोषण होता है, कुछ सेवास में राइजोइड्स के द्वारा जल का अवशोषण होता है। टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स जो पौधे होते हैं जिनमें स्पर्मेटोफाइट्स में अगर हम बात करें तो बीजाधारी पौधे आ गए, ये सभी पौधे जो रूट्स के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है मूल के चार क्षेत्र होते हैं,
पौधे जिस जल का अवशोषण करते हैं, हम बात कर रहे थे भाई बीजाधारी जो प्लांट्स होते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होता है वो रूट के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो रूट में अगर हम देखें तो रूट का कौन सा पार्ट जो है वो जल का अवशोषण करता है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो रूट में चार भाग होते हैं। अगर किसी भी रूट का सेक्शन को देखा जाए तो रूट के सेक्शन में चार पार्ट होते हैं और वो चारों ही पार्ट जल का अवशोषण करते हैं। ये एक रूट डायग्राम से ठीक है। अगर रूट के हम भाग देखें तो रूट का जो शीर्ष भाग होता है उसे हम बोलते हैं रूट कैप। ये जो भाग होता है, ये भाग होता है रूट कैप जो जल का अवशोषण करता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट हो गया रूट कैप। ये रूट कैप जब रूट्स की ग्रोथ होती है ये गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती है, तो ये होने वाले घर्षण से रूट के शीर्ष भाग को नष्ट होने से बचाती है। तो दोस्तों रूट कैप का कार्य यही होता है कि जब जड़ें वृद्धि करती है और वृद्धि करते समय ये जड़ को घर्षण से बचाती है। रूट कैप के नेक्स्ट जो भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं सेल डिवीजन रीजन। इस भाग में सेल्स डिवीजन होती है, कोशिकाओं का विभाजन होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो आता है सेल इन लोंगेशन, जिसमें सेल्स की वृद्धि होती है वो सेल इनलोंगेशन, और इनलोंगेशन के बाद में आता है सेल मैच्युरेशन रीजन। तो जड़ की चार भाग हो गए, एक रूट कैप, दूसरा सेल डिविजनल रीजन, फिर उसके बाद में सेल इनलोंगेशन रीजन, और फोर्थ जो भाग होता है सेल मैच्युरेशन रीजन जिसमें कोशिकाएं मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, जहां पर टिश्यूज का निर्माण होता है, सेल रूट ऑर्गन्स बन जाते हैं, जड़ तंत्र का निर्माण हो जाता है। दूसरा, जड़ में इस भाग को हम दोस्तों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसका कारण है कि इस पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। सेल के जो सेल मैच्युरेशन रीजन है, रूट मैच्युरेशन रीजन है, इस रूट मैच्युरेशन रीजन में रूट हेयर पाए जाते हैं और ये रूट हेयर जल का अवशोषण करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।